हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ओए होए, मलेशिया ने 29 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लात मारकर भगाया है भैया। मलेशिया ने छोड़ते के इनके खिलाड़ियों को क्यों लात मारी है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 29 पाकिस्तानी एथलीट मलेशिया से डिपोर्ट कर दिए गए। इमिग्रेशन हुकाम ने बैग्स की चेकिंग करते ही दाखले से रोक दिया। वहाँ पे जाके सिक्योरिटी ने एयरपोर्ट पे चेकिंग की तो पता चला 29 एथलीट जो पाकिस्तान से गए हैं, ना तो उनके पास कोई किट है, ना ही उनके पास कोई जॉगर्स है, ना ही कोई स्पोर्ट्स का सामान है, बल्कि एक एक शलवार कमीज है और कुछ अपना इंटरटेनमेंट का सामान है जो वो लेके आगे फरार होने की कोशिश में थे। जिसको एक पीछे वाला आदमी देखा तो क्या पागल है, ऊंचे करके नाच रहा है। मेहनत करके नहीं खा सकता, इट इज इम्पॉसिबल कि वो मेहनत करके खाए। उसको हराम की आदत, पाकिस्तान को हराम की आदत लग गई है। हम तो पहले बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को रिएक्शन चैनल देख लो उनके, भारत से भारत को रोक देना चाहिए। आप भी अपने आप को जोड़ करके 5 आदमी का नाम बताइए जो आपके देश में आपके देश के नेशनल एंथम को और देश को आगे रखता है और इस्लाम को बाद में रखता है। बता दीजिए मुझे 5 लोगों का नाम। अपने ही लोग महफूज नहीं दिखाई देते, हर दूसरे दिन किसी ना किसी के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के मार दिया जाता है। आज अगर इसको नहीं कुछ कर रहे लोग, जब ये पाकिस्तान में बैठी है, दुनिया के मैप में दिखाई दे रहा है तो इसको नहीं करते। ये जो दूसरी पाकिस्तान ने अपना हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान तो मैप में दिखाई नहीं देगा। एक बार पानी रुक जाएगा, एक बार सूखा पड़ेगा, लोग त्राई त्राई वहां पे होगी, उसके बाद कश्मीर के ऊपर जरा इनसे बातचीत करेंगे कि भाई अगर तुम्हें पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए तो पियो के खाली करो। वाह, यही करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक हालत, जहां पर पाकिस्तान में रह रहे लोग बस ये दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान से बाहर निकल जाए और उनकी जान बच जाए। मलेशिया में गन मचाने जा रहे हैं, जितने भी एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन और वे सब अपने जान बचा करके पाकिस्तान से दूसरे देश भाग रहे हैं, और इसी में अब मलेशिया ने 29 पाकिस्तानी एथलीट्स को अपने एयरपोर्ट में ही पकड़ लिया और उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। और ये जो पाकिस्तानी एथलीट्स थे, ये मलेशिया गए हुए थे रनिंग कॉम्पिटिशन में, लेकिन मलेशिया ने इन जाहिल जिहादी पाकिस्तानियों को अपने देश के अंदर एंट्री भी नहीं दी और एयरपोर्ट से ही इन्हें वापस भेज दिया गया, क्योंकि मलेशिया का कहना है कि ये पाकिस्तानी यहाँ पर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने नहीं बल्कि इलीगली माइग्रेट करने आए हुए थे, तो इसलिए अब इन्हें वापस इनके देश ही भेज दिया गया। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको तो ये भी तो देखो, इनमें से कई यूएसए आके बैठ ही गए हैं, वापस ही नहीं जा रहे, और कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर से भेजें। 29 पाकिस्तानी एथलीट पाकिस्तान से मलेशिया गए जी खेलने के लिए, स्पोर्ट्स का एक फेस्टिवल था, इवेंट था वहां पे, लेकिन उधर जाके जब चेकिंग हुई है, उनकी सिक्योरिटी ने चेकिंग किया तो पता चला बैग में ना तो कोई किट है, ना कोई जॉगर है, ना कोई स्पोर्ट्स के रिलेटेड सामान है, शलवार कमीजें हैं और कुछ मतलब अपना इंटरटेनमेंट का सामान है, और उधर से भागने लगे थे, पकड़े गए, उन्होंने रिपोर्ट करके वापस भेज दिया। चौहान साहब, ये हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क के साथी को फर्स्ट टाइम ये बात नहीं हो रही, आप इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं। मैं आपको एक दो वाक्यात खुद बता देता हूँ, हमारी आवाम भी बहुत ज्यादा समझ करो, वीजा नहीं था उनके पास, एयर होस्टेस ने जो अपने जुराबों में पैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, एक वो सीन देखा जिससे मेरा मुल्क को डिग्रेड किया गया और हो गया, लेकिन वो भी पाकिस्तानी, पाकिस्तान के लेवल की बात कर रहा हूँ, इस टाइम मैं कोई अब्रॉड नहीं, बाहर के कोई साथ वाले की बात नहीं कर रहा। इसके अलावा और कितने ममालिक में इस तरह के पाकिस्तान के वाकया जहाँ उतरते हैं, इस तरह के होते हैं, उनकी लाइन पासपोर्ट की लादा लगा देते हैं। इश्यू ये है कि हमारे पाकिस्तान में अभी जो 29 पाकिस्तानी गए हैं एथलीट्स, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान लेवल पे खेलने वाले लोग हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान, वो पाकिस्तान है। अगर आप कहीं मुल्क में जाते हैं तो खिलाड़ी एक पाकिस्तान ही होता है ना, ये कहाँ से है, ये पाकिस्तान के हैं।
वो पाकिस्तान की शर्मिंदगी है। अब वो गए ना, उनमें से उनके शोज निकल रहे हैं, ना उनकी कोई किट निकल रही है, ना किसी का नियत ही कुछ और थी। उनकी नियत थी वहां से स्लिप होने की, कि अपने बच्चों के सिलसिले निकल जाए। ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों का मसला है। और यहाँ पे जो गुर्बत का जो आलम है, यहाँ पे छोटे छोटे अवाम का हम क्या करेंगे? तो माइंड में तो बात आएगी कि यार किसी ना किसी तरीके कोई मौका मिले, हम पाकिस्तान से बाहर कोई ढंकी लगा के जा रहे हैं। तुम भी तो रेडी हो, तुम्हें भी मौका चाहिए। लाखों रुपया दे के जा रहा है। सर मेरी बात सुने, ये गुजरांवाला हो गया, गुजराती हो गया, ये सारे यूरोप बैठे ढंकी लगा के गए। ठीक है ठीक है। जब एक चीज का पता है, वो शिप डूब गई और बहुत से लोगों की जाने की, इतनी डेथें हुई हैं। ठीक है, पाकिस्तानियों की। अभी एथलीट्स की बात कर रहे हो आप, इनको इतनी शर्म नहीं आई कि हमारे मुल्क की इज्जत क्या रहनी है? लाइक इनको ये चीज देखनी चाहिए थी। और हमारे जो हुक्मरान है, लाइक जो हमारे ऊपर नगरान है, उनको चाहिए कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे कि हम इस मुल्क से बाहर जाए ना। लॉजिकल बात तो इन्होंने सोचने का मौका भी क्यों मिलता है? तो ठीक है, नहीं तो इलीगल वे से चला जाऊँ। ये अच्छा, ये भी तो वकील होके रिएक्शन चैनल को बना के बैठा हुआ है। वैसे कहता मैं वकील हूँ, उनके साथ अपने क्या वकील है, बेहतर कर रहे हैं, अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। उनके बड़े एजुकेशन तो कुछ भी नहीं है, उनकी इवन ईरान ने भी एंट्री दे दी है इंडियन को। यार ये पाकिस्तानी मैं कहता हूँ सबसे नीच किस्म के इंसान बन चुके हैं। अब मुझे पांच आदमी का नाम बताइए, इंक्लूडिंग आप खुद, आप भी अपने आप को जोड़ करके पांच आदमी का। वो कह रही है अपने आप को भी काउंट कर ले, उसको शर्म ही नहीं आ रही। आपके देश के नेशनल एंथम को और देश को आगे रखता है और इस्लाम को बाद में रखता है। पूछो तुम रखते हो मुझे पांच लोगों का, क्या तुम हो? खुद का बताओ। नहीं कहती मैं भी नहीं हूँ, कह रही मैं भी नहीं हूँ। और हंसरी है जब आप खुद उस देश में रह करके, उस देश में वोट करके, उस देश का नमक खा करके, उस देश की मिट्टी में रह करके, उसी देश के पानी से वजू करके, उसी देश की मिट्टी में दफन हो करके, उसी देश में कमा के कजा करके आप अपना पेट भर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन फिर भी जब कोई आपसे पूछता है कि देश पहले या इस्लाम पहले, तो आप लोगों के जुबान से निकलता है इस्लाम पहले देश बाद में। तो फिर आज ये बुरी लगने वाली बात कौन सी आ गई और कहां से आ गई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। अब आपने कहा कि अफगान हमेशा आप लोगों को बिट्रे करता है, तो कैसे बिट्रे किया भाई? एक वक्त था कि पाकिस्तान को 56 मुस्लिम मुल्क जो है वो पैसे से, पावर से, इस्लाह से, बारूद से, छुपने से, छुपाने से, इकोनॉमिक से, हर तरीके से मदद करता था। एक वक्त था, फिर एक वक्त आया कि सारे देश को इंक्लूडिंग यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट को पता चला कि आपके पाकिस्तान की सरकार सिर्फ माइनॉरिटी को खत्म करने के चक्कर में लगी हुई है और पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है और पूरी दुनिया के लोगों को परेशान करना चाहती है। जब ये पूरी दुनिया को पता चल गया तो 56 मुस्लिम मुल्कों ने भी आपके मुंह पर थूक दिया। आज अगर पाकिस्तान चल रहा है, आज अगर पाकिस्तान दुनिया देश तो नहीं चला, दुनिया के मैप में दिखाई दे रहा है तो ओनली बिकॉज ऑफ चाइना। आज अगर चाइना ने अपना हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान तो मैप में दिखाई नहीं देगा। अब आती है तीसरी बात कि आप जिन अफगानियों की बहू बेटियों को लूटे, जिन अफगानियों की संपत्ति प्रॉपर्टी लूटे, जिन अफगानियों को आपने सिटीजनशिप नहीं दिया सालों साल, बरसों बरस, डेकेड डेकेड रहने के बावजूद भी, जिन अफगानियों को कुत्ते बिल्ली की तरह धक्के मार करके 2022 और 23 में पाकिस्तान की सरकार ने निकाला, जिन अफगानियों की 6-6 साल की बच्चियों को आपके पाकिस्तान के मुसलमानों ने लूटा है, उनका रेप किया है, जिन अफगानियों के पुरुषों के बॉडी के ऑर्गन को ट्रैफिकिंग किया गया है, जिन अफगानियों के नौजवान बेटों को टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाया गया है, और जब कुछ नहीं समझ में आया इतने सारे जिहादी तालिबानी एक्टिविटीज करने के बावजूद भी, तब आपकी सरकार ने उनको भेड़ बकरियों की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। भैया मैं तो ये देख रही हूँ ये पाकिस्तानी किस तरह के लोग हैं, कितना नीचे गिर सकते हैं। मैं तो वो देख रही हूँ कि इतनी तुम्हारी बेइज्जती हो रही है,
और तुम उसी बंदे को टॉक शो में ला के उससे बेइज्जती खाने को तैयार हो। ये एक एक पाकिस्तानी को देख लिया है, वो जो माइक लेके बैठ के इंटरव्यू लेते हैं सड़कों पे, ये आदमी लोग और ये औरतें, ये कितने बेशरम है कि अपनी बेइज्जतियां सुना उनसे बुलवाते हैं और खुद भी सुनते हैं। उसके बाद वो जो यहाँ पे ऐसे बैठ के रिएक्शन चैनल्स में वीडियोस, खास खास वो वीडियोस ढूंढते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की, वो ढूंढ ढूंढ के वही वीडियोस करते हैं जिसमें पाकिस्तान की बेइज्जती हो। उनसे पूछो ये पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स को कि कभी तुमने पाकिस्तान की कोई पॉजिटिव चीज या कोई अच्छी जिसमें तरक्की हो रही हो कभी तुमने उस पर रिएक्शन किया है? पता है कि भैया उस पर रिएक्शन किया तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये लेडी को उसने बोला कि भैया तुम ऐसे 5 लोगों को बताओ अपने आप को मिलाकर जो अपने पाकिस्तान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो इस्लाम से, तो है कोई? कहती नहीं, कहती मैं भी नहीं हूं। इसका मतलब था मैं भी नहीं, और हंस रही है। उसकी बेइज्जतियां हो रही है, उसके देश की बेइज्जती हो रही है, उसकी खुद की बेइज्जती हो रही है, और वो स्माइल करती हुई सब सुनती जा रही है। रोकड़ा भैया पैसा इनके लिए, आप कह सकते हैं कि इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि उनके लिए स्टैंडर्ड है, बेशरम कि रिलीजन पहले आता है बाद में और सब नहीं। और इतने इनको पैसों का हो गया है कि बचपन से उनको ऐसे ब्रेन वॉश किया हुआ है कि दे आर नाउ मेड वन वे पीपल। और देखो 29 पाकिस्तानी खिलाड़ी गए हैं और उन्होंने देखो कोई अपने गए कहते हैं कि हम कंपटीशन के लिए भागने के लिए शायद जा रहे हैं, वो ऐसा भागने के लिए कंपटीशन था कि देश भाग के वहीं पे बैठने के लिए कोशिश करें कि कोई गियर नहीं लेके गए, कुछ नहीं लेके गए। उसी से उनको जो है वहां पे जब उन्होंने चेकिंग किया शक हुआ, उन्होंने कहा भैया इनका इरादा यहाँ पे कोई कंपटीशन करने का नहीं है, यहाँ इलीगली आए अंदर घुस के वापस ही नहीं जाएंगे। वहीं से उनको कहा निकलो बाहर, अंदर ही नहीं आओगे तुम हमारे देश के। ऐसे ये पाकिस्तान के लोग हैं, और दिख तो रहा है कितने सारे हैं जितने भी अब हम इनको देख रहे हैं, जो पहले रिएक्शंस करते थे या वीडियोस बनाते थे यूट्यूबर्स, ये पाकिस्तानी ये भी तो बाहर भाग गए हैं। कितने सारे इनमें से जो बाहर बैठ के बना रहे हैं वीडियोस, ये सारा इनका तो ओवरऑल सारे का सारे लोग ऐसे ही हैं। और जो अभी बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि उनको मौका नहीं मिल रहा बाहर निकलने का, इन लोगों को भी मौका मिले ये भी फुर हो जाएंगे वहां से। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।